अजय कुमार श्रीवास्तव, हॉजकिन लिम्फोमा से पीड़ित था। 2020 में मेरे को फरवरी में डायग्नोस हुआ था, तो उसका इलाज मैंने एबीवीडी कीमो को थ्रू कराया था। 12 कीमो हुई थी उसमें, उसके बाद मेरा ठीक हो गया काफ़ी और मैं बिल्कुल फिट हो गया था। अभी मार्च 2024 में मेरे को फिर लक्षण आ गए, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आने लगी, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर इनसे मोहित जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उसमें फिर पेट सीटी वगैरह में आ गया क्लियर कि ये हो गया है, और इसके लिए फिर बायोप्सी भी कराई, बायोप्सी भी क्लियर आ गया कि हॉजकिन लिम्फोमा फिर आ गया आपका थर्ड स्टेज पर। तो फिर ये मोहित सक्सेना जी से मेरा कंसल्ट हुआ, इन्हीं से इलाज मैंने कराया है। जो इंजेक्शन का नाम इन्होंने बताया है कीमोथेरेपी के तरह, उसको मैंने अब 4 लगवाने के बाद पेट सीटी कराया था, उसमें मेरा 0 आया था, नील हो गया था। फिर भी प्रकाशन के तौर पे 2 और लगवाए हैं, जिससे कि आगे चल के ना आने पाए। तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है अगर आदमी चाहे तो, ऐसी कोई बीमारी डरने की नहीं है। कैंसर नाम से आदमी भागे ना, और उसका इलाज करने की कोशिश करे तो निश्चित है कि फ़ायदा होता है। और मन को मजबूत करना सबसे बड़ी चीज है इसमें, जबकि मैं अब की बात करने की उम्मीद में नहीं था, मगर डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, परेशान ना हो। तब मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा, फिर मैंने करवाया है। आज मैं फुल्ली बिल्कुल ठीक होकर के यहाँ से जा रहा हूँ, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की चलने फिरने की कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर किसी को होता हो तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट जरूर करें एक बार, बाकी सही इलाज मिल जाएगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सक्सेना है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुरुग्राम में कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल और हेमाटो ऑन्कोलॉजी में। मेरे साथ अभी डॉक्टर केसी मलिक हैं, जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर है मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और आज हम बात करना चाहते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की, जो कि एक प्रकार का लिम्फोमा है, जो कि लिम्फोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। हम इसकी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस बीमारी को 2 बार हराया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैंसर होने के बाद भी जिसको बार बार हराया जा सकता है, और एक बार नहीं दोबारा भी हराया जा सकता है। अंकल को पहली बार जो हॉजकिन लिम्फोमा 2020 में डायग्नोस हुआ था, उस समय हमने उनका एबीवीडी नाम की कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया था, और उसके बाद अंकल रिमिशन में चले गए थे, मतलब बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई थी। अब 4 साल बाद उनको ये बीमारी वापस आई, तो हमने उसको ट्रीटमेंट के लिए, जब उनको वापस से लक्षण आने लगे, उनको बुखार हुआ, उनका वजन कम होने लगा, जिसे हम बी सिम्टम्स कहते हैं, तो हमने वापस डायग्नोसिस किया, पेट सीटी किया, बायोप्सी की, तो कंफर्म हुआ कि दोबारा हॉजकिन लिम्फोमा वापस आया है। अब अंकल के ट्रीटमेंट के लिए हमने एक विशेष दवा का प्रयोग किया, जिसे कहते हैं ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, जो कि एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है। ये एक टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी का मिश्रण है, जिसमें टारगेट के थ्रू कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके सिलेक्टिवली कीमोथेरेपी उसमें सर की जाती है, जिससे कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने अंकल को इसके साथ में एक बेंडामिसिन नाम की कीमोथेरेपी का प्रयोग किया, और 4 साइकिल के बाद अंकल के लक्षण भी पहले से बेहतर होने लगे, और पेट सीटी स्कैन में बीमारी क्लियर हो गई, उसमें कंप्लीट रिमिशन में फिर से चले गए। उसके बाद हमने इनके 2 साइकिल फिर और दिए हैं, और अभी अंकल बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके अनुभव के बारे में आप लोग जान सकते हैं।